तो इनविजुअल हस्बैंड की इस एपिसोड की शुरुआत ये टीएन से, जो कि आराम से जो स्पीड बेड इसने बनाया था ना लास्ट एपिसोड में, उस पर आराम से लेटा हुआ है। और तभी इसका जो नॉलेज ही है, हाँ इस मानव के अंदर भी नॉलेज ही होता है, जिस नॉलेज के अंदर ना एक बंदा आता है, और बंदा टैको स्पीड यहाँ पे था, जो बुक यहाँ पे था ना एंशियंट बुक, एंशियंट बुक है ना भाई एंशियंट गॉड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड था, तो एंशियंट गॉड का इनहेरिटेंस है जो कि उस बंदे में पास होगा जो बंदा बुक का इनहेरिटेंस यहाँ पे ऑब्टेन करेगा। तो ये आ जाता भी उसके अंदर नॉलेज के अंदर, और आने के बाद चेक करते कि वेल तो मैं सच्ची में यहाँ पे नॉलेज सी के अंदर आ गया हूँ किसी इंसान के नॉलेज सी के अंदर, लेकिन ये कितना ज़्यादा अलग यहाँ पे लग रहा है। लेट मी चेक, जैसे चेक करते तो हाँ सच्ची में किसी इंसान का यहाँ पे था, लेकिन यार ये तो मुझे कुछ खास यहाँ पे लग नहीं रहा। फिर ऐसे कैसे भाई इस आदमी को बुक इनहेरिटेंस यहाँ पे चूज कर लेगा, ये पक्का इस इंसान ने कोई आलतू फालतू टेक्निक यहाँ पे यूज़ किया होगा बुक इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए, वरना इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। उतने में ना कुछ ऐसा कर रहा था, शायद नुकसान ही पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, उतने में टमाटर यहाँ पे दिखता है नॉलेज सी में, और जिस टमाटर के अंदर ना टोटल 3000 यहाँ पे स्टार लाइट था, बताता स्टार लाइट है ना नॉलेज सी में ऐसा चीज होता है जो कि नॉलेज सी में होता है। अगर नॉलेज सी में जितना ज्यादा स्टार लाइट यहाँ पर है ना, समझो बंदे का पावर उतना ज्यादा हार्ड है, और मैक्सिमम भाई 9900 यहाँ पे जाता है, इतना आ गया समझो भाई तुम्हारा नॉलेज सी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बंदा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये जो टमाटर में अकेले यहाँ पे 300 है, पूरे नॉलेज सी में सोचो यहाँ पे कितने होंगे यार। ये बंदा है कौन भाई, ये बंदा है कौन, ये तो गजब लेवल का, मेरी तो फट रही है। तो सिस्टम आता है और सिस्टम सामने से कहता है कि वेल मैं नौकर हूँ इन मास्टर का, और जो मेरे मास्टर है ना जो कि बुक इनहेरिटर है, आप सच्ची में उनके नॉलेज में घबराइए मत। तब उतने में हमारा जो मेन कैरेक्टर था ना टीएन, उसकी भी आंखें खुल जाती है, वो भी अपने नॉलेज सी में आता है, वो आता कहता है कौन मेरे नॉलेज सी में यहाँ पर आ गया, चैन से ना खुद यहाँ पे सोते न मुझे यहाँ पे सोने देते हैं। हाँ सामने से जैसे बुढ़ा और टीएन को देखता है ना उसकी फड़के चार हो जाती है। टमाटर के आसपास से 300 स्टार लाइट महसूस हुआ था, और टीएन के आसपास से बताया नहीं गया कितना, लेकिन हजारों से तो ज़्यादा यहाँ पे थे, इंश्योर लाखों भी हो सकता है, जो देख के इतनी फट जाती ना घुटने पर ज़्यादा डर के मारे कि भाई ये मॉन्स्टर यहाँ पे कौन है। सिस्टम कहता है ये तो वही होस्ट है भाई जिनका नॉलेज सी में तुम यहाँ पे घुसे हो और इन्हीं से यहाँ पे डर रहे हो। टीएन देखते कि भाई अच्छा ये बुढ़ा, यार ये बुढ़ा कौन है यार, ये बुढ़ा मेरे नॉलेज सी में कैसे आ गया, और सिस्टम जरा बताओगी। सिस्टम सामने से कहता जो एंशियंट बुक यहाँ पे था ना, ये एंशियंट बुक का जो एंशियंट गॉड था ना उसी का स्पीड यहाँ पर है, और जिसके पास वो बुक जाता ना ये उसके नॉलेज सी में जाकर उसको ज्ञान व्यान यहाँ पे छोड़ भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाता और बताता है। जो सुनते सामने से टीएन कहता अच्छा इसी बात है, ये बुढ़ा ये क्या, इंशॉर्ट यही बुढ़ा है एंशियंट गॉड उसका स्पीड, क्योंकि भाई जो मेन एंशियंट गॉड था वो तो मारा गया होगा और ये मुझे सिखाएगा, यानी इंश्योर मेरा मास्टर यहाँ पर है। तो नमस्कार जी, मिलकर अच्छा लगा। सामने से वो भी कहता है जी हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा, हाँ थोड़ा सा बुढ़ा हूँ लेकिन काम यहाँ पे चल जाएगा। मनी मनी यहाँ पे खुश है कि हाँ भाई ये बंदा बड़ा कमाल का है यार, इसको मैं मुझे पटाना पुटाना है, अपने जाल में बिछाना है, फिर अपना बदला निकलवा सकता हूँ और जो एंशियंट गॉड है ना पूरा हमारा क्लैन उसको वापस से रिवाइव भी कर सकता हूँ। इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा बुरे इरादे आ जाते हैं। हाँ तो सामने से टीएन को आइडिया लग जाता है, वो कहता है कि एक्शन भाई क्या सोच रहे थे, दिमाग में क्या चल रहा है। जो सुन देखे थे क्या चल रहा है, नहीं नहीं कुछ भी यहाँ पे नहीं चल रहा। सामने से टीएन को तो आइडिया लग जाता है, वो कहता है हरामजादे तुम ही हो साले एंशियंट गॉड, तुम भी है ना बाकी लोगों से एकदम बुरे हो, तुम्हारी तो यहाँ पे खैर नहीं। सामने से वो सिस्टम भाई खत्म कर दे इसको, हाँ तो अटैक करके उसको खत्म कर दिया जाता है। तो वो भी मरने वाला, मरने से पहले कहता है कि अरे 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 साले तू ऐसा कैसे कर सकता है, पूरा गुस्से में था, दम शर्म आ रही थी, सारे के सारे फीलिंग एक बार में नहीं कर रहा था। मनी मन सोचता है मुझे लगा भाई एटलीस्ट अगर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा लबड़ लबड़ करेगा, बातचीत यहाँ पे करेगा, धीरे धीरे मारेगा, इसने तो अटैक एक बार में मार के निपटा दिया यार, ऐसा 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 तो किसी मानव के अंदर यहाँ पे होता नहीं है। सामने से टीएन भी देखते कि हाँ ये साला हरामजादा, जैसे मैंने इसका प्लान ही एक्सपोज कर दिया ना, देखो भाई कैसे कैसे एक्सप्रेशन इसने निकले जा रहे हैं। एंशियंट गॉड घंटा मेरे कद्दू का एंशियंट गॉड, वो मरने से पहले जो जो से गालियां देके मरता है। और सिस्टम सामने से कहता है हेलो मास्टर, हाँ मेरा अपग्रेड होने वाला है, कर दोगे? ये कहता है सारे सिस्टम तेरा भी अपडेट यहाँ पे होता है क्या, जा बेटे कर ले। उसके बाद यहाँ पे सीन शुरू भाई बाहर से रियलिटी में, जहाँ पे एक जासूस या किलर यहाँ पे कह लो किलर, जो टीएन को मारने के लिए आता है छत पर से ऐसा देखता नजारा कि भाई स्पिरिचुअल बेड पे यहाँ पे सोया हुआ, तभी तो भाई महाराज यानी महारानी का भाई हस्बैंड यहाँ पर है, इन शॉर्ट प्रिंस या महाराज कह लो, तो बेड पे नहीं सोएगा तो किस पे सोएगा, ऊपर से कमाल के बेड पे नहीं सोएगा तो क्या मेरे कद्दू पे सोएगा। लेकिन बस बहुत हो गया, अब ये साला मरेगा। वो सो रहा था, ये आता अपना चक्कू लेके सीधे गले पे मारता, लेकिन गले को कोई असर नहीं होता, इसका चक्कू टूट जाता है। ये बंदे की फड़के चरकी ये मतलब ये क्या हो रहा है, मेरा मेरा चक्कू कैसे टूट गया। टीएन की आंखें खुलती है, वो भी जोर से चिल्लाता कि ओ तेरी माँ का भाई तू कौन है और तू क्या कर रहा है, ये चक्कू यहाँ पे कैसे टूटा। वो कहता अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं तुम्हारी जान निकालने के लिए नहीं आया हूँ तो क्या मेरी बात का विश्वास करोगे। बाहर सारे एक सोल्जर यहाँ पे थी, वो जोर से चिल्लाती कि हेलो हेलो प्रिंस क्या हुआ भाई, अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें यहाँ पे आ रही है। ये कहता ना 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 कोई छोटी बात नहीं, एक छोटा सा चूहा है जो ल्यू है ना, ल्यू को अंदर यहाँ पे भेज दो कि भाई ल्यू को पावर के बारे में आइडिया तो उसके सामने कुछ भी कर सकता है। दूसरे साइड ने जो तलवार यहाँ पे टूटा था, चक्कू टूटा था, उसको आराम से उठा के देखे जा रहा है, और किलर की फड़के चर हुई पड़ी है।
पूरी फटेज पड़ी है कि अरे बाप रे भाई, मुझे तो ये बोल के यहाँ पे भेजा गया था कि भाई जो ये प्रिंस है ना नल्ला यहाँ पर है, उसके पास कल्टिवेशन पावर नहीं है, बस दिमाग साले के पास यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसलिए सोते सोते मार सकता है। इसलिए भाई तो भी मैं स्ट्रॉन्ग चक्कू लेकर आ गया था। छठे स्टेज का जो बीस्ट है ना उसका हड्डी यहाँ पे यूज किया गया था बनाने के लिए, जो कि सातवें स्टेज वाले बंदे तक को भी मार सकता है। और जब किस बंदे के पास पावर ही नहीं है तो भी भाई ये कैसे यहाँ पे जिंदा है। उतने में लीव आती है और कहती है, बोलिए प्रिंस क्या हुआ, आपने कहीं को बुलाया? जो सुंदर टीएन कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तो आराम से घोड़े बेच के यहाँ पे सो रहा था। हाँ तो जैसे मेरी आँख खुली ना, ये हरामजादा किलर यार मेरे को जान से मारने के लिए आ गया था, पहले इसमें ऐसे टाइम पे घुसा है। हाँ तो भाई मुझे ये बता दो कि भाई जो महारानी यहाँ पर है, महारानी को तो आइडिया नहीं ना लग गया। जो सुंदर सामने से लीव कहती, ना ना डोंट वरी, मैं तो महारानी के साइड यहाँ पे सेवा पानी कर रही थी, उनको कोई भी आइडिया नहीं लगा। जो सुंदर सामने से टीएन खुश की, चलो भाई कोई आइडिया नहीं लगा, बढ़िया है। फिर सामने से लियू ये भी पूछती कि भाई ये इसके बारे में बताओ यार, वेपन उसने कौन सा वेपन यूज किया था आपको मारने के लिए? ये कहता है, दोनों कोई चक्कू यहाँ पे था, इसने जैसे मेरे को मारा ना चक्कू से, इसका चक्कू यहाँ पे टूट गया, ये लो चक्कू के टुकड़े, आई डोंट नो अच्छा है या नहीं है, लेकिन भाई लो रिसाइकल कर दो और बेच दो, थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे मिलेंगे। ये भी सोचते टूटे फूटे चक्कू को रिसाइकल करके बेचने पे क्या ही मिल जाएगा, लेकिन हमको मालूम है चक्कू बड़ा स्पेशल था, ये जैसे टुकड़े देखती ना पहचान जाती कि ओ माय गॉड, छठे स्टेज के कमाल के बीच का हड्डी इसमें यूज हुआ है यार, इसको बेचने पर सच्ची में पैसे मिल जाएंगे। अरे थैंक यू प्रिंस मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे देने के लिए, ये कहता ना ना कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। फिर जैसे किलर पे ध्यान उसका जाता ना, ये कहती है, किलर ये पक्का ब्लैक मून टावर का किलर यहाँ पर होगा। उफ यार इनका पूरा हेडक्वार्टर बर्बाद हो गया, लेकिन जो बाकी बंदे जिंदा ना वो कहीं ना कहीं से उंगली करने यहाँ पे आ जाते हैं। जो छह इविल किंग थे जिसमें से एक को प्रिंस ने मार डाला, जो दूसरा इविल किंग है ना ये उसके अंडर में काम करने लगा कोई मुझे बंदा लग रहा है। सामने से किलर भी कहता है, या दीदी आपने एकदम एग्जैक्टली सही पकड़े हैं, जो फिंग नाम के ना इविल किंग अपन उसके अंडर में आते हैं। अरे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो गई है, तो चला जाऊँ दीदी? जो सुन दी कहते दीदी होगी तेरी माँ, और यही बात मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। एक तो आधी रात को कवर मतलब चेहरा कवर करके चक्कू लेके आता है प्रिंस पे, भैया अटैक भी कर देता है और वेपन टुटवा लेता है और कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इसमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ? तो सामने से ये कहता नहीं, अरे सच्ची में कोई गलत फैमिली यहाँ पर हुई है, अरे यार मतलब मुझे मारने को रहता हूँ, मैं यहाँ पे चक्कू लेके कहीं को आता, मैं सीधे तलवार गोला बाली लेके यहाँ पे नहीं आता क्या? ऑफकोर्स मैं वो सब यहाँ पे लेके आता, लेकिन देखो बस मैं चक्कू लेकर आया था। सामने से प्रिंस कहता, यहाँ बस चक्कू लेकर आया था और तो इसके पास कुछ मुझे लग भी नहीं रहा। वो कहता जी हाँ मैं तो आपको मारने भी नहीं आया था, अरे मैं तो बस यहाँ पे कोई नौकर वॉकर को ढूंढ के नौकर को पकड़ के ले जाने के लिए यहाँ पर आया था, उससे कुछ और पूछने के लिए आपके बारे में। अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ दीजिए प्लीज छोड़ दीजिए। सामने से प्रिंस है ना और लियू से कहते कि लियू मुझे ख्याल से नहीं, ये बंदा ना मेरे को तुमको बहुत ज्यादा बुद्धू यहाँ पे समझ रहा है। सामने से लियू कहती, हाँ वही तो पागल है भाई, सब ये लोग टावर वाले बंदे आते हैं बार बार प्रिंस से पंगा लेते हैं और सबके फिर से बैंड बज जाती है। ये कहती है, क्या मतलब बार बार आते हो बार बार पंगा लेते हैं, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है? तुम पहले हमारे बंदों के साथ मिल चुके हो, तुमने हमारी बैंड बजा चुकी है। अरे यार जो छह इविल किंग में से एक जो बुढ़ा यहाँ पे आता है पॉइजन वाला, वो मारा गया था और उसकी हड्डी वड्डी का भी निशान यहाँ पे नहीं मिला कहीं कहीं, तूने तो नहीं मारा? अरे हरामजादे तूने मारा, वो भी मारा गया है। उसके अलावा जो हमारा एक सब ब्रांच था वो भी डिस्ट्रॉय हुआ, हमारा मेन हेडक्वार्टर था वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। हमको लगा कोई कमाल का मिस्टीरियस बंदा होगा स्ट्रॉन्ग जिसने मारा होगा, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि हरामजादा प्रिंस, जो कि है बड़ा स्ट्रॉन्ग लेकिन इतना भोला भाला मासूम सा आदमी बन के रहता है। एंड ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।